वायापुर में जो कांग्रेस प्रत्याशी है रवि बहादुर वो आगे चल रहे हैं, लगातार 4 राउंड की गिनती 5 राउंड की गिनती हो चुकी है और करीब 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओके अजीम, आप हमारे साथ बने रहिए। अजीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भगवानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है ममता राकेश, रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप बत्रा आगे चल रहे हैं, आदेश चौहान पिछड़ रहे हैं रानीपुर से, खानपुर में उमेश आगे चल रहे हैं, कई चौंकाने वाले नतीजे, अनुपमा रावत इस वक्त आगे चल रही है, गन्ना मंत्री दोनों तरफ गन्ना मंत्री फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ सुरेश राणा और दूसरी तरफ स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री अपनी खुद की सीट पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुधा जी आपके पास आऊं, पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं आप, राकेश टिकैत का भी बयान चलाया उन्होंने, कहा ईवीएम को लेकर तो हमने कुछ कहा ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं लिया। तिलक जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे कहा तो आप मेरी बात में हंसने लगे थे, क्या आपने कहीं किसी प्रकार का आधिकारिक बयान इस प्रकार? आप लोग ऐसे डबल गेम क्यों खेलते हैं, आप कंधे पर बंदूक भी रखते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए हमने गोली भी नहीं चलाई। क्या सत्ता से प्रश्न पूछना कोई डबल गेम है? नहीं बिल्कुल, सवाल तो रखना कोई डबल गेम है नहीं, सवाल तो हम भी पूछते हैं ना, हम तो सीधा सीधा सवाल पूछते हैं सत्ता से कि नहीं पूछते? बिल्कुल पूछते हैं। तो आप दूसरों के कंधों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप सीधा कहिए ना। क्या क्या इसमें कंधों का इस्तेमाल किया गया, जैसे बताएं मुझको। मैं राकेश टिकैत वाली ब्रेकिंग फिर से चला दीजिए एक बार सुमित, और मैं वो जो बात सीधे तौर पर आप ईवीएम को लेकर कल तक सवाल उठा रहे थे, अब आप कह रहे कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, जो भी सरकार आ रही है वो किसानों के लिए काम करे, आप समझ रहे हैं? गन्ना मंत्री अगर चुनाव हार रहे तो आप कह रहे हैं ये हमारी जीत है, आप जिन्हें वोट की चोट दे रहे थे वो बहुमत में आ रहे हैं। तिलक जी ये गन्ना मंत्री के लिए भी किसी ने बयान दिया है क्या कि मतलब गन्ना मंत्री हार रहा है, मतलब क्या हंसना भी आपने बोला मुझे गन्ना मंत्री की, जब आपने बोला कि दोनों प्रदेशों के गन्ना मंत्री थोड़ा करंट में अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही, तो मुझे वो गन्ना मंत्री सुन करके थोड़ी सी हंसी आई, और बाकी किसी ने ऐसा तो बयान नहीं दिया कि मैं गन्ना मंत्री, लेकिन हाँ ये बयान हमेशा दिया गया तो हमेशा दिया जाएगा कि आशीष मिश्रा जी के जो पुत्र थे उनके द्वारा जो गलत कार्य किया गया है उसका विरोध किया गया था, बिल्कुल किया जाएगा। और लेकिन किसी ने आधिकारिक तौर पर ये कभी नहीं कहा, तिलक जी मैं भी आपसे लगातार संवाद करता रहा दौरान आंदोलन दौरान, लगातार मैं आपसे संपर्क में रहा, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आपसे मेरी होती रही, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं किसी से कहा कि आप बिल्कुल अगर आप असंतुष्ट हैं तो अपनी बात को रखने का अधिकार संवैधानिक व्यवस्था में सभी को है। तिलक जी कहीं कोई इसमें गलत बात नहीं की जा रही है। सुधा जी आपकी प्रतिक्रिया इस रुझानों को देखकर कुछ कहना चाहेंगे आप? सुधा जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। तिलक जी मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करती हूँ, जनादेश है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस चीज को लेकर हम लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, वो इससे नहीं खत्म होंगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिस संदेश को हम जनता तक पहुंचाने में शायद कहीं असफल रह गए हैं, क्योंकि वोट कन्वर्जन वो नहीं अगर हो रहा है जो रुझान दिख रहे हैं, तो हम इससे हार मान के बैठने वाले नहीं है कि हम हार मान के बैठ जाएंगे। जो सकारात्मक राजनीति की शुरुआत प्रियंका जी द्वारा की गई है और ये सब लोग मानते हैं कि संगठन को लेके हर स्तर में लेके हमने बहुत बेहतरीन बदलाव किए, परिवर्तन किया, और बात इस चीज की है कि हॉट सीट दिखा दूं एक बार, हॉट सीट प्लीज प्ले करिएगा। हॉट सीट के कुछ दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में खटीमा से पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो पीछे चल रहे हैं, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह की जो है प्रतिष्ठा दांव पर है, गोरखपुर से सभी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, रामपुर में आजम खान 20,000 की लीड लेकर आगे चल रहे हैं, रामपुर में आजम खान आगे चल रहे हैं, लेकिन ये हॉट सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे जो कि खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे जो कि राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, गोरखपुर से सभी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, ये हॉट सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। सुधा जी आप कह रहे लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे, लड़ने के लिए लड़ेंगे या जीतने के लिए भी कभी लड़ेंगे? नहीं तिलक जी, इस बार का जो हमारा प्रयास है और जिस तरह हमने प्रियंका जी ने जो संदेश दिया है इस बार, ये जीतने के लिए, ये कई वर्षों की प्रयास का नतीजा नहीं, बल्कि इस बार जो कार्य किया गया और जो सुधार किया गया संगठन में उसके बाद जो सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई है, लोगों से जुड़ाव हुआ है,
हो सकता नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की भी नहीं लड़ पाई। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर 160 लड़कियों को वोट दिया गया, 88 दलितों को सीट दी गई लड़ने के लिए, तो तिलक जी आप जाने संदेश बहुत अच्छा गया है। तो संदेश लालकुआ में भी दे देते ना मैडम, लालकुआ में आपकी प्रत्याशी थी संध्या डालाकोटी, हरीश रावत जी ने उनका टिकट काट कर कहा कि मैं लड़ूंगा यहाँ पर चुनाव, वो उनका प्रत्याशी के रूप में नाम ऐलान हो चुका था, तो वहां भी लड़कियां लड़ सकती थी। अब हरीश रावत खुद पीछे है लालकुआ में, खबर आ रही है मेरे पास। तिलक जी इसका मतलब अगर पार्टी के किसी भी एक सदस्य को नहीं दिया गया, इसका मतलब नहीं कि लड़कियों को नहीं दिया गया टिकट, हो सकता है संगठन के अपने कुछ रहे हों। अगर जो हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत पीछे चल रहे हैं मैडम, वो संध्या बालाकोटी को जो नजरअंदाज कर रहे थे आप लोग, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वही खेल बिगाड़ रही है पूरा, मेरे पास खबर ये आ रही है। अगर ये देखा फिर धामी जी तो मुख्यमंत्री होने के साथ ही वो पीछे चल रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं मैडम। आपके तो मुख्यमंत्री रहे, दो सीटों से चुनाव हार गए थे पिछली बार हरीश रावत जी। तो तिलक जी यही तो बात है ना कि कार्यों का, पार्टी के नाम का, किसका किस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप भी देख रहे हैं। नहीं इम्पैक्ट ठीक है मैडम, यूपी के बाद मैडम कोई बूस्टर का इस्तेमाल करिए अपनी पार्टी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम जो है कांग्रेस का बिगड़ गया है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं इस बात से कहीं भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं आप अगर हाँ आप इत्तेफाक करिए ना करिए, लेकिन जनता समझ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टी का इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ गया है, उस पर कुछ डोज लगाइए ना, कुछ कुछ वैक्सीन का इस्तेमाल करिए। अब समझिए मेरी बात को, अगर 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाब में आ जाती है, आप नजरअंदाज करिए, आपका ये जनादेश का सम्मान है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है ना, कि जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में अगर आपके पास थाली बनी हुई पकी हुई पड़ी थी, आप 11 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं महज, और दूसरी तरफ पंजाब आपके हाथों से फिसल गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और उत्तर प्रदेश जहां आपने अपने सबसे बड़े नेता को चुनावी रण में उतार दिया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं। तिलक जी बीमारी अगर है तो लाइलाज नहीं है, उसका इलाज भी किया जा रहा है और उसको मद्देनजर रखते चीजें परिवर्तन की जा रही है, संगठन में काम हो रहा है। बीमारी दूर करने के लिए कभी कभी कड़वी दवाई खानी पड़ती है मैडम, कड़वी दवा बिल्कुल बिल्कुल, और खाई जा रही है और की भी जा रही है। कहा होता क्या है ना कि कहना सबसे आसान काम होता है तिलक जी। ब्रेकिंग आ गई विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं उसके बाद, ब्रेकिंग आ गई, प्लीज प्ले करिए ब्रेकिंग। क्या ब्रेकिंग है आपके पास? ब्रेकिंग हमारे सहयोगी ने बताया, मुख्तार अंसारी के बेटे पीछे चल रहे हैं आबाद साहब, सबको देख लेंगे। आजम खान के बेटे जो है अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं आजम खान की तरह, और ओम प्रकाश राजभर आगे चल रहे हैं, अभी जुड़े हुए थे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है, राजा भैया इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास जो है वो पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह से चौथे राउंड तक 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर कुंडा से जहां पर राजा भैया पीछे चल रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, विवेक श्रीवास्तव जी, जी लड्डू वड्डू बनवा लिए कि नहीं? सब लोग बन रहा है, सब बटेगा भी, बटेगा जी जी। अच्छा सुधा मैडम के यहाँ भी भिजवा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कांग्रेसियों के यहाँ भिजवा रहे हैं, कांग्रेसी को भिजवा देंगे, भिजवाने की जरूरत नहीं है, हम खुद मिला कराएंगे, जिसको भाई सब कामनाएं सबके लिए उतनी ही होती हैं, लेकिन तो आपको नहीं बल्कि हम स्वयं देंगे जी। लेकिन विवेक जी अब की बार 300 पार चलिए ठीक है, वो गायब हो गया था, लेकिन ये क्या बुलडोजर चला है, क्या कुछ ईवीएम चली है जो कांग्रेसी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे? समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी हार का कारण समझ में नहीं आ रहा, हाँ। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता को उनकी गुंडई उनकी हुड़दंगई से नफरत है। अच्छा जिसने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है
वो कभी नहीं चाहेगा कि समाजवादी पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी हो और इनकी हुड़दंग इनके शपथ ग्रहण से ही शुरू हो जाती है। और इस बार तो देखा गया कि वो नौबत भी नहीं आई, उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। उनके समर्थकों ने, उनके लोगों ने, उनके प्रत्याशियों ने जनता को धमकी देना शुरू कर दिया कि 10 तारीख के बाद देख लेंगे। इस तरह के जो आचरण रहे उससे जनमानस एक मिनट बठिंडा से मेरे पास तस्वीरें आ रही है, प्लीज प्ले करिएगा। आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आ रही है, आम आदमी पार्टी के यहाँ जश्न, भंगड़े डाले जा रहे हैं, भंगड़े देखिए। और ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पंजाब की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस वक्त जोश और जुनून दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के घर में। लगभग 90 सीटों पर, 117 में से 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये मैंने आपके रंग में भंग डाल दिया, ये बठिंडा की तस्वीरें हैं, पंजाब के बठिंडा की। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने रंग में भंग डाल दिया आपके। देखिए तिलक जी, ऐसा होता है, ये लोकतंत्र है। हाँ, कहीं हम हारेंगे कहीं जीतेंगे, हार जीत दोनों को पूरी सदा सहायता से स्वीकार करना चाहिए। तीन सीटें हैं हमारा की, यहाँ 300 पार की बात करते हैं, वहाँ 3 पार नहीं हो पा रही हैं, वो भी फंसा हुई है तीनों की तीनों। देखिए तिलक जी, मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ कि वहाँ हमारी 3 सीटें हैं, वो भी संघर्ष में चल रही हैं। लेकिन ये हार जीत है, लोकतंत्र है, इसमें दोनों चीजें मिलेंगी। कहीं हमारा काम अच्छा होगा, कहीं हम जीत रहे होंगे, कहीं हमारा काम उतना अच्छा ना होगा, जनता ने हमें पसंद नहीं किया। तो हार जीत दोनों को सर माथे लगाने की आदत डालनी चाहिए। पंजाब तो चला गया ना सर हाथ से, पंजाब इसके पहले भी हम गठबंधन में थे। हाँ। और अकाली दल के साथ में थे। और किसान आंदोलन ने पंजाब छीन लिया आपसे। किसान आंदोलन की जो किसानों की नाराजगी रही उसको भी कह लीजिए, और जो हमारा गठबंधन वहाँ टूटा और जो हमारा स्ट्रक्चर वहाँ पे इतना मजबूत नहीं हो पाया इतने समय के अंदर कि हम सभी सीटों मेरे पास। एक बड़ी खबर आ रही है, पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। विवेक जी, एक और बुरी खबर आपके लिए, रंग में भंग, पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे उत्तराखंड में पीछे चल रहे हैं। अभी थोड़ा समय और आने दीजिए, मुझे उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय नेता है। सर, एक लोकप्रिय नेता एक्टिव हो गए हैं, मेरे पास खबर आ रही है, एक लोकप्रिय नेता और एक्टिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लग रहा है उत्तराखंड में, लग रहा है फिर धमाल होगा। क्या मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। आप ही के एक पूर्व मुख्यमंत्री है, वो एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। नहीं, राजनीति में देखिए महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, कोई अगर एक्टिव है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक्टिव है। हाँ। सब लोग मिलते हैं, सब लोग काम करते हैं, सम्मिलित प्रयास होता है, पंडित जी सम्मिलित प्रयास से मिलती है। पंडित जी, एक बात बताइए मुझे, पंजाब में झाड़ू चला, किसान आंदोलन का असर दिखा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया, ये दोनों राज्यों में अलग अलग कैसे बातें हो सकती हैं? देखिए